नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की प्रातः 7 बजे कथा की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है वीणा के तार कसने की कला। वर्षा प्रवास के बाद चलकर बुद्ध सारनाथ के मृदाय में ठहरे, जहाँ 36 साल पहले उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन करते हुए पहली देशना करके धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था। हालांकि ये कल जैसी बात ही लग रही थी, लेकिन सारनाथ में बड़ा परिवर्तन आ गया था। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में धर्म का प्रसार हो गया था और धर्मचक्र प्रवर्तन के स्मारक के रूप में वहाँ भव्य स्तूप बन गया था और एक विहार भी बन चुका था, जहाँ रहकर भिक्खु साधना किया करते थे। वहाँ धर्म देशना करके और संघ समुदाय को प्रेरित कर बुद्ध वहाँ से गया गए। वो उरुबेला में रुके और संबोधि वृक्ष के दर्शन किए, जो और भी ज़्यादा हरित होकर और भी आनंददायी बन गया था। सारे वन में बहुत ही कुटिया सी बन गई थी। राजा बिंबिसार उस स्थान पर स्तूप बनवाने की योजना बना रहे थे, जहाँ बैठकर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। गांव के बच्चों को देखने के लिए भी बुद्ध गए। इतने वर्षों के बाद भी उनकी दशा में कोई अंतर नहीं आया था। चरवाहा स्वास्थ्य अब 47 साल का हो गया था और संघ का वरिष्ठ भिक्खु बन गया था। गांव के बच्चे बुद्ध के लिए पके पपीते लाए थे और हर बच्चा त्रिरत्नों बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि का उच्चारण करता था। गया से बुद्ध राजगृह पहुँचे और वहां से गृद्धकूट शिखर पर चले गए, जहां उन्हें पूर्णा ने आदिवासी क्षेत्र में धर्म प्रचार का विवरण दिया। स्वर्ण प्रांत में सधर्म की शरण में आने वालों की संख्या बढ़कर 500 हो गई थी। बाद में बुद्ध उस क्षेत्र के अलग अलग धर्म केंद्रों में गए, बहुत सारे धर्म केंद्रों में वो वहाँ चले गए। एक रात जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्हें लगा कि कोई भिक्खु सूत्रों का उच्चारण कर रहा है, किंतु उसका स्वर थका थका सा निराश पूर्ण लगा। अगले दिन सुबह आनंद ने पता लगाकर बताया कि रात में सोन नामक भिक्खु सूत्र पाठ कर रहा था। इस भिक्खु को वर्षों पूर्व श्रावस्ती में बुद्ध ने देखा था। भिक्खु सोन कुलीकर्ण को अनेक वर्षों पूर्व मान्य महाकात्यायन ने प्रवज्ञा दी थी और तभी से वह साधनारत था, यानी साधना में लगा था, साधनारत हो चुका था। सोन धनी परिवार का संस्कारवान और प्रतिभा संपन्न युवक था, लेकिन था दुबला पतला। उसे भिक्खु का कष्ट साध्य जीवन यापन करने में परेशानियां हो रही थी, क्योंकि उसे दिन में एक बार भोजन मिलता और रात को वृक्षों के नीचे सोना पड़ता, लेकिन सभी कष्ट सहकर भी वह साधनारत रहता। एक वर्ष के बाद उसके प्रशिक्षक श्रावस्ती में उसे बुद्ध के पास ले गए थे। बुद्ध ने उससे पूछा था, सोन, आपका स्वास्थ्य ठीक है? धर्म साधना और भिक्षाटन में कोई कठिनाई तो नहीं होती? उत्तर में सोन ने कहा, प्रभु, मैं प्रसन्न हूँ और मुझे कोई कठिनाई नहीं हो रही। बुद्ध के निर्देशन अनुसार आनंद ने सोन को उस रात बुद्ध की कुटिया में लेटने की व्यवस्था कर दी। उस रात बुद्ध कुटिया के सामने ही सवेरे 3 बजे तक साधना करते रहे। सोन उस समय तक सोया नहीं। बुद्ध ने पूछा, यदि नींद नहीं आती तो तुम किसी कविता या गाथा को सस्वर क्यों नहीं पढ़ते? सोन ने प्राणायाम विषयक सूत्र की गाथाएँ बोलनी शुरू की। उसकी वाणी कड़क थी और सूत्र का एक शब्द नहीं भूला। बुद्ध ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सोन के सूत्र पाठ से बुद्ध समझ गए कि उसने अत्यधिक परिश्रम किया है। बुद्ध ने उससे पूछा, भिक्खु बनने से पहले तुम संगीतज्ञ थे और 16 तारों वाली वीणा बजाने में सिद्ध हस्त थे ना? सोन ने हाँ कहने पर बुद्ध ने पूछा, वीणा का तार यदि ढीला हो अथवा अधिक कसा हो तो क्या वीणा से मधुर सुर निकल सकता है? सोन ने कहा, प्रभु, तार ढीला होगा तो वीणा बेसुरी होगी और अधिक कसा होगा तो तार टूट जाएगा। जब तार ठीक संतुलित कैसे होंगे तभी वह मधुर सुर दे सकती है। ठीक कहा सोन, यदि कोई आलसी होगा तो वह साधना में प्रगति नहीं कर सकेगा, लेकिन यदि कोई साधना अभ्यास शरीर पीड़न की सीमा तक करेगा तो वह थककर निराश होगा। तुम अपनी शरीर शक्ति को समझते हो, अपने शरीर और चित्त की सीमाओं से अधिक प्रयोग मत करो, तभी तुम्हें साधना का पूर्ण लाभ मिल सकता है। सोन ने बुद्ध की अंतर्दृष्टि के प्रति आभार प्रकट करते हुए नमन किया। एक दिन दोपहर में जीवक बुद्ध से मिलने आए।
बुद्ध वेणुवन से वापस आ रहे थे तो जीवक ने पूछा कि क्या मैं गृद्धकूट शिखर पर आपकी कुटिया तक चलूं? जीवक बुद्ध को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखता रहा। 72 वर्षीय बुद्ध अब भी पहले की तरह स्वस्थ और ऊर्जावान थे। वो एक हाथ में भिक्षा पात्र लिए और दूसरे हाथ से अपना चीवर उठाए आराम से सीढ़ियां चढ़ रहे थे। मान्य आनंद भी उसी प्रकार चल रहे थे। जीवक ने बुद्ध से उनका भिक्षा पात्र ले लिया, उसे देते हुए बोले, जानते हो तथागत इस शिखर तक हजारों बार चढ़ चुके हैं। शिखर पर बुद्ध जीवक के साथ एक चट्टान पर बैठ गए। जीवक ने बुद्ध के स्वास्थ्य का समाचार पूछकर बताया, प्रभु मुझे ये बताना ही चाहिए कि आपके संग में जो कुछ घटित हो रहा है वो राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति से सीधे संबंधित है। वैद्यराज ने बुद्ध को बताया कि देवदत्त आपके स्थान पर जब संघ का नेता बनना चाहता है, उसने अपने समर्थन में अनेक भिक्खों को अपनी ओर मिला लिया है। मान्य कोकलिक उनके मुख्य सलाहकार हैं। मान्य देवदत्त बहुत प्रतिभावान और अच्छे वक्ता हैं। भिक्खु और उपासक दोनों ही उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने साफ साफ कभी बुद्ध का विरोध नहीं किया, लेकिन वो बुद्ध के विवृद्धता का उल्लेख अनेक बार कर चुके थे और शंका व्यक्त की थी कि वह संघ का नेतृत्व कर भी पाएंगे या नहीं। वो कह चुके थे कि बुद्ध की शिक्षाएं आज के युवकों के अनुरूप नहीं रह गई हैं। बहुत से धनी शिष्य देवदत्त के समर्थक हैं और राजकुमार अजात शत्रु भी देवदत्त का श्रद्धालु समर्थक है। उसने गया शीर्ष पर्वत पर बहुत से धर्म केंद्र बनवा दिए हैं। राजकुमार देवदत्त के केंद्रों में भोजन की व्यवस्था प्राय कर दिया करते हैं। जो श्रेष्ठी और राजनीतिज्ञ राजकुमार को प्रसन्न करना चाहते हैं वह भी देवदत्त के धर्म केंद्रों को भोजन पहुंचा दिया करते हैं और देवदत्त की धर्म शिक्षाएं सुनते हैं। 300-400 भिक्खु उनके साथ हो चुके हैं। जीवक ने बुद्ध से कहा, मुझे इन सब बातों की चिंता नहीं है। चिंता का विषय तो ये है कि अजात शत्रु सिंहासन पर बैठने के लिए अधीर हैं। वास्तव में मुझे आशंका यह है कि देवदत्त ने राजकुमार अजात शत्रु के मस्तिष्क में कुछ खतरनाक विचार भर दिए हैं। यदि राजा बिंबिसार के साथ कुछ अनपेक्षित घटित हो जाता है, यानी जो ना चाहे हैं वह ऐसा कुछ घटित हो जाता है, तो उससे संघ को भी उलझा लिया जाएगा। कृपया इधर ध्यान दीजिए। बुद्ध ने जीवक को इन सूचनाओं के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि वह संघ को दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों से बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। 10 दिन बाद बुद्ध ने वेणुवन में 3000 शिष्यों के सामने देशना की। राजा बिंबिसार भी वहाँ उपस्थित थे। बुद्ध ने अरहत स्थिति की प्राप्ति में के सुपरिणामों के पोषण के लिए 5 शक्तियों विश्वास, ऊर्जा, सचेतनता, ध्यान और सत्य प्रज्ञा के विषय में देशना की। बुद्ध ने जैसे ही प्रवचन समाप्त किया यानी खत्म किया, तुरंत देवदत्त ने उठकर बुद्ध को नमन करके कहा, प्रभुवर आप वयोवृद्ध हो गए हैं, यानी आप अब और ज़्यादा आयु आपकी ज़्यादा हो गई है और आपका स्वास्थ्य भी पहले जैसा नहीं है। आपको पूर्ण विश्राम और जीवन में अंतिम वर्षों में उलझन भरी स्थितियों से अलग रहना चाहिए। संघ का मार्गदर्शन करना गुस्तर कार्य है। आप विश्राम लीजिए, मैं भिक्खों का मार्गदर्शन करने को तैयार हूँ। बुद्ध ने देवदत्त की ओर देखकर कहा, देवदत्त आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। तथागत में संघ का नेतृत्व करने की शक्ति अभी है और स्वास्थ्य पर्याप्त ठीक है। देवदत्त ने भिक्खों की ओर देखा तो 300 भिक्खु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देवदत्त ने बुद्ध से कहा, बुद्ध बहुत से भिक्खु मेरे विचार से सहमत हैं, आप चिंता ना करें, मुझमें संघ का नेतृत्व करने की क्षमता है। कृपया आपको भार मुक्त करके मुझे आपको भार मुक्त करने का अवसर दीजिए। बुद्ध ने कहा, देवदत्त अब अधिक कुछ ना कहो, आपसे अधिक योग्य अन्य अनेक वरिष्ठ भिक्खु हैं। मैंने उनसे भी संघ का नेतृत्व संभालने के लिए नहीं कहा है, आप में अभी संघ का मार्गदर्शन करने की योग्यता नहीं है। देवदत्त ने इससे स्वयं को घोर अपमानित अनुभव किया और वह क्रोध में भरा बैठ गया। अगले दिन बुद्ध ने आनंद से कहा, प्रभु बंधु देवदत्त के व्यवहार से मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे भय है कि वह भिक्खु संघ के समक्ष आपकी आलोचना करके प्रतिशोध लेंगे, इससे संघ में फूट पड़ सकती है। आप देवदत्त से अलग से मिल लें। बुद्ध ने कहा, मैंने राजा और संघ के समक्ष देवदत्त की कठोर आलोचना इसलिए की जिससे स्पष्ट कर दूं कि मैंने देवदत्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया है।
अब वो जो भी काम करेंगे उसके उत्तरदायी वह स्वयं होंगे। आनंद, यदि तुम समझते हो कि देवदत्त से बात करके कुछ हो सकता है तो उनसे बात कर देखो। कुछ दिनों बाद दीपक बुद्ध से मिले। उन्होंने बुद्ध को बताया कि मैंने सुना है कि देवदत्त संघ में भीषण फूट डालने का षड्यंत्र कर रहा है, किंतु वह कैसे क्या करेगा इसका मुझे कुछ पता नहीं।